And if you are new to my channel, then please subscribe the channel and hit the bell icon to get that notification. Teotihuacan, इसका meaning है birthplace of God. और Aztecs ये believe करते थे कि इस जगह पर God ने यहाँ पर रहकर पूरे universe को create किया. Isn't it great? अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड ऑफ द सन. और मैं आपको यहाँ के बारे में अगर बताऊँ तो इस तेओटिटान सिटी में इट इज़ द फर्स्ट हाईएस्ट पिरामिड. और आपको अगर मैं बताऊँ पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में दिस इज़ द थर्ड हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट पिरामिड इन द होल वर्ल्ड, जो कि काफ़ी ह्यूज है, आप देख रहे हैं. और अब हम यहाँ की चढ़ाई शुरू करने वाले हैं. सो लेट्स सी 284 स्टेप्स हैं, कितनी देर में हम कवर कर पाते हैं. लेट्स गो. ओप्स, व्हाट्स इट? ओके, सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी. व्हेन वी सॉ दिस गर्ल ब्लाइंड फोल्डेड एंड देन वी सॉ दिस ह्यूज सेटअप एंड देन वी रेड, ओके सो दिस गाय वॉज प्रपोजिंग फॉर मैरिज एंड He slided the ring from this rope and yeah, she said yes. She started crying initially, but yeah, that was her moment. And then they hugged each other and we all started hooting and clapping for them. And yeah, and you can listen this beso sound. Beso, in English it is kiss. So we said beso, 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 and then they kissed each other. This was a really delightful and cheerful moment. And ये देखिए यहाँ से व्यू. अभी हम पूरे ऊपर तक पूरे पिरामिड पे पहुँचे भी नहीं हैं. एंड लुक एट द व्यू, होल Teotihuacan सिटी, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर. इज़न्ट इट अमेजिंग? लुक एट द व्यू. सो फाइनली हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं पिरामिड ऑफ द सन के. सुनाओ, अगर Teotihuacan की हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसकी हिस्ट्री जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2100 साल पुरानी है. लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि इसको बनाया किसने, क्योंकि ये कोलैप्स हुई थी. और कोलैप्स होने के बाद उसके 500 या 1000 साल के बाद में Aztecs यहाँ पर आए एंड Aztecs ने क्लेम किया कि ये पूरी सिटी इनकी है. और तब से यहाँ पर वो पूजा अर्चना करने लगे, सन का, मून की पूजा करने लगे. तो ये हिस्ट्री तब से चली आ रही है. तो चलिए अब आपको मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ कि पूरे Teotihuacan का यहाँ से व्यू क्या है. तो यहाँ से व्यू देखिए, दिस इज़ द टॉप ऑफ द पिरामिड ऑफ द सन, अगर स्पेनिश में बोले तो पिरामिडे डेल सोल. लुक एट दिस. यहाँ पर सब लोग आकर ये ज़रूर करते हैं हाथों को ऊंचा, इसलिए करते हैं कि ये देखिए, ये जो हाथों को ऊंचा करके ये काफ़ी पुरानी चीज़ है जो यहाँ पर चलती आ रही है. दे टेक द एनर्जी फ्रॉम द सन. तो अपनी परंपरा निभाते हुए मैं सबसे पहले करूँगी ओम सूर्याय नमः और उसके बाद मैं एनर्जी गेन करते हैं हम लोग. चलो और दिस इज़ ट्रू. जैसा पुराने टाइम में और अब तक यहाँ पर कहा जाता है कि पिरामिड ऑफ सन के ऊपर आके एनर्जीज बहुत हाई होती हैं और मेडिटेट करने का एक अलग ही मज़ा है. एंड आई जस्ट डिड इट एंड इट फील्स अमेजिंग, अमेजिंग. तो मैंने आपको बताया कि बहुत रिलीजियस प्लेस है और 2100 साल पुरानी रिचुअल्स होने के बाद भी जो पुरानी परंपराएं थी वो आज भी निभाई जाती हैं. आपको मैं बता दूँ, ऑन एवरी 21st मार्च यहाँ जितने विजिटर्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं एंड दे फ्लॉक ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड ऑफ द सन एंड दे सेलिब्रेट द इक्विनॉक्स.
और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं यहाँ के बारे में बताती हूँ। 1971 में आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक सन पिरामिड के नीचे एक सीक्रेट टनल फाउंड किया, और जब उन्होंने उसको और इवैक्यूएट किया और चीज़ें ढूंढना शुरू किया, तो उनको क्लोवर लीफ की तरह एक चैम्बर मिला उसके अंदर। और ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा वो सोच रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि ये जो चैम्बर है वो एक कुछ अलग तरह के रिचुअल के लिए यूज़ होता था, या फिर लोगों को, जो लोग मर जाते हैं उनको दफन करने के लिए ये प्लेस यूज़ होता था। This is the pyramid of the moon, and in Spanish, Pirámide de la Luna. Look at this, and इसमें ना आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट लेवल जहाँ लोग आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ यहीं तक जाने दे रहे हैं. So we decided not to go there because इतना थोड़ा सा ऊपर चढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा. So it's इसलिए हम लोग और घूमेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड ऑफ द मून. सो आपको बता दूँ, द पिरामिड ऑफ मून इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पिरामिड इन दिस साइट, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कंडक्टिंग सेरेमनीज इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ फर्टिलिटी एंड गॉड ऑफ अर्थ. And also in the Teotihuacan city, there are two temples, ancient temple of the sun and the moon. And recently, a secret tunnel was discovered beneath the ancient temple of the moon. Look at this. And now I'm going to look at this. This is amazing. And I'm loving it. So let's go. It's fun, it's something different I'm doing, and yes, voila, I've reached at the last. Ye dekhiye thakke tour meri friend. देखो इस चीज जगह के लिए हम लोग कह रहे हैं कि शायद ये स्टोरेज होगा पानी का. इतने साल मिले इनको बोलते कि नहीं आज आपको मैं बता दूं कि हम लोग फाइनली एक पैलेस में हैं. इस तेओतिकान सिटी का एक पैलेस था, और यहाँ पर मुरल आर्ट देखने को मिलती है. So that's all for the video. Here you can see some more pictures from Teotihuacan city. The city was too big, too huge to cover it in a one day. So
Yeah, we couldn't cover. We were so tired. The area is 3,381 hectares. It is close to 33 square kilometers, so it was really not possible for us to just go around and walk. So yeah, this is all for the video. And if you like this video, then hit the like button. Don't forget to share this video as much as possible. And also, if you are new to my channel, then please subscribe and hit the bell icon. Thank you.